ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा के, आज 24/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। आज का प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है, कैसे? उत्तर है, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का बहुत नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ कि अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को ही बाबा ऊंच दे ऊंच बनाते हैं, गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं, इसलिए बाबा को पक्का पक्का सौदागर कहा जाता है। आज का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें सुस्त नहीं बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वाह, उनको हम तो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं ना। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष है, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहे हे बच्चों। भले कितना भी बड़े बड़े वो लेक्चर्स देवे, लेकिन हे बच्चों, ए बच्चों, ऐसा कहने का अधिकार सिर्फ शिव बाबा को है। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाबा कह सकते हैं वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते उनके। ये तो बाप पिता है, जो तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे तुम भी समझते हो बेहद का बाप। हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है, तो बच्चों ने जवाब दिया बाबा परमधाम है। परमधाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद भी करना है अपने घर को, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आ जाएंगे। अभी तो यह है दुख धाम, इनका तुमको संन्यास करना है ना, सभी को संन्यास। दुख धाम का संन्यास करना है हमें ना, घर बार का नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि ये बेहद का संन्यास सिवाय परमात्मा की और कोई भी सिखला नहीं सकते, वो तो हद का अर्थात घर बार संन्यास करते हैं, ये तो माता पिता है ना, माता पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे, है ना। उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग वालों मार्ग का, संन्यासियों का। जैसे और धर्म है, आर्य समाज ही है, राधा स्वामी है, अभी राधा का स्वामी कौन ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है, फिर नाम बदलकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाता है, श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे, ये समझने की बातें हैं ना। बाबा ने बच्चों से पूछा, अपना शांतिधाम सुखधाम याद है? यह रावणपुरी दुखधाम है, पुरी रहने की होती है, रावणपुरी में राम सीता तो है नहीं। यूँ तो तुम सब सीताएँ हो, और बाबा कहते हैं मैं हूँ राम, मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है उन पर रावण का राज्य है, राम राज्य तो सतयुग में था जिसमें श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, था भारत पर ही राज्य, परंतु उस समय और कोई भी खंड न होने के कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे, है भारत के मालिक, और कोई खंडों का नाम निशान नहीं, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और बाबा कहते वहाँ तुम्हारा मीठे पानी पर ही राज्य चलता है, तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, अब नाटक पूरा हो रहा है, अभी वापस घर जाना है। तो बाबा कहते तुमने 84 का चक्र लगाया है ना, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, ऐसी ही सुनी सुनाई बातों पर कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा कर आए, अभी हमको वापस जाना है,
फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तो बच्चों को ही समझाई जाती है, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर वह खुशी का नशा या पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक हम वापस घर नहीं जा सकते। जन्म तो लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़े में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। धर्म संस्थापक गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। बाबा राज क्लियर कर रहे हैं, सबको पार्क बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए, पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वो आएगी नहीं, वो आती है कलयुग में, अपने समय पर आपका धर्म स्थापन करती है। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया, ब्रह्मा बाबा के शरीर का। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है आया देश पर आए, और सब अपने देश अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर के प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी, जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सीतम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है, जिनके शरीर में धर्म आत्माओं ने प्रवेश किया है वो सितम सारे सहन करती है। ये तो अभी फ्रेश आए हुए हैं, तो इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, क्यों वो दुख सहन करे या कष्ट सहन करे। उनको तो पहले सतों में ही आना है, तो जो पहली आत्मा है वो सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देते हैं आत्माओं को, फिर होता है हम सजा खा रहे हैं। इसलिए कहा जाता पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पुण्य शरीर पुण्य पाप शरीर, ऐसे नहीं कहा जाता। सन्यासी कह देते आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं, बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया, कैसे घर बार छोड़ा, बतलाते नहीं थे तो मैं कहता था मैं कैसे समझूं, नहीं तो मैं भी कर सकूंगा ना सन्यास व नहीं, ऐसे ऐसी बातें बड़े समझदारी से मना श्रूडनेस से अभी करते थे बाबा ब्रह्मा बाबा। अभी समझते ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़े इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है, अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो नहीं होती, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई गई है, वो तो होती रही। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये सब है गपोड़े। बाबा कहते मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, हमेशा पहले स्थापना विनाश और फिर पालना ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं स्थापना पालना, ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश कहो, तो क्या होना चाहिए? पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता है और फिर नई दुनिया की पालना हो जाती है। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तो तोते मुआफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुझे करेक्ट अक्षर बोलने चाहिए, स्थापना विनाश फिर पालना। अभी ऊंचते ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। यह बाबा का शरीर मुकरर है, सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होती है तो श्रीमत देंगे लेंगे, श्रीमत पर चलने से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है, बाबा दूर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं, हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है, ये है सबसे बड़े से बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठे है, श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विस सेबुल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर के मिल नहीं सकता है मधुबन में, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवास है ना, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़ करके ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। आजकल सब गरीब है, 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। देखो
आज के ज़माने में 10-20 लाख कुछ नहीं, 10-20 करोड़ हो तो साहूकार कहाँ जाएगा। बाबा ने समझाया पद्मपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वो अर्पण हो नहीं सकते हैं, न बाबा अलाउ करेंगे उनको। देखो क्योंकि गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह अभी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं। बाबा कहते तुम अपनी राजाई संभालते रहो। बाबा के जो साहूकार बच्चे हैं जिनको टाइम नहीं मिलता है मुरली के लिए, बाबा कहते भले भाई अपने राजाई संभालो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर सब वेद शास्त्र का सार समझाते, यह भी बाबा ने समझाया। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, और कोई ये बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छा से हिसाब समझाते, विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों के बाद अभी ब्रह्मा निकला है, अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते, सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे, यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है, सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण करते हैं और पॉइंट्स लिखते करेक्ट भी करते रहेंगे, पॉइंट्स भी लिखना है और उसमें जो भी करेक्शन है वो भी देखनी चाहिए। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज़ सामने रखते हैं, छोटे से ऐसे टिप्स जैसे 4-5 पॉइंट्स कि भाई हमें इसको इसके ऊपर ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख करके ले आओ पेपर और फिर पढ़ के सुनाओ, ठीक नहीं लगता। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करता है तो किताब खोल कर देखते हैं, फिर बोलेंगे जज साहब देखो फलानी बुक में यह यह लिखा हुआ है, वह फिर कहेंगे फलानी बुक में यह है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत होशियार होते हैं तो आर्गूमेंट करने लगते हैं, उनके पास पॉइंट्स बहुत रहती है, इंजीनियर की भी बुद्धि चलती है, तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनानी है, तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर यह यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे, अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी, यह भी नंबर वन प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बताते हैं, बुलाते हैं आकर के भाषण करो, समझते हैं यह बड़ी बहन है, भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर उनका रिगार्ड भी पूरा रखना चाहिए। बड़े फिर बड़े बड़े का काम है छोटों को सिखाना, स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण धारण करने हैं, मूढ़ नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा वो फिर सर्विस नहीं कर सकते हैं, तो हमें ज्ञान मार्ग में बहुत मीठा बनना है, बहुत प्यार से किसी को समझाना है तब अच्छा पद मिलेगा, सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो, बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं, सर्व के सदगति दाता सर्व को सुख देने वाला एक ही बाप है, शांति देने वाला, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, तुम्हारा बाप है तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े ना, तुम कलब कलब बाप का शो निकालते हो, शिव शक्ति पांडव सेना तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो, टाइम तो लगता है, जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए, आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी, योग बल से निकलेगी, जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट भी उतरेंगे। बच्चों को मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए, आज बाबा मुरली के ऊपर कितना जोर दे रहे हैं, बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत सुना हमने कहते हैं, क्या सुनना है, अभी वही बात है आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, नहीं बाबा कहते नहीं, परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं, समझते हैं हम तो बहुत होशियार हैं। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है सभी को राजी करना है, मुड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। सेकंड पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है,
सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। आज का वरदान है त्रिकादशी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकादशी स्थिति में स्थित रहकर देखो हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ बंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पाठ को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। स्लोगन है जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो ऐसे त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी सैटरडे एंड हैव अ नाइस डे।